अस्सलामुअलैकुम, न्यू टेस्टी फूड में खुश आमदीद। फिर से एक बार ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे चटपटी कोरिएंडर टॉफ़ी यानी धनिया वड़ी। सबसे पहले इसका चटपटा सा मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया हुआ है यहाँ पे एक टेबलस्पून कटी हुई अदरक, 12 से 15 लहसुन के जवे, 4 से 5 हरी मिर्चें, इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। एक बर्तन में 4 बड़ी साइज़ की प्याज लच्छेदार काट लेंगे। उसमें 1.5 टीस्पून नमक और पिसा हुआ मसाला डालकर अच्छी तरह से प्याज को मसल लेंगे ताकि प्याज का सारा पानी निकल ले। उसके बाद उसमें 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा कप तेल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और आधी गड्डी धनिया पत्ते कट करके शामिल करेंगे। फिर से प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर उसमें आधा कप पानी शामिल करके एक डेगची में सारा बैटर डालकर चूल्हे पर चढ़ाएँगे। 5 से 6 मिनट तक उसे पकने देंगे ताकि सारे मसाले की खुशबू निकल ले। फिर उसमें 250 ग्राम बेसन शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें कटी हुई और 4 से 5 टेबलस्पून धनिया कटा हुआ शामिल करके लकड़ी की चमचे से अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि बेसन की गुठली ना हो। फिर उसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे दम पे रखेंगे। अगर आपसे बैटर पतला हो तो आप बेसन ऐड करें उसी वक्त। फिर एक प्लेट में ऑयल लगाएंगे और हमारा पका हुआ धनिया बैटर उसमें उंडेल देंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। 1 घंटे तक उसे ठंडा करेंगे ताकि अच्छी तरह से उसके पीस निकले। आप चाहे तो ऐसे ही खा ले या फिर शैलो फ्राई करके खा ले। इतने मज़े की झटपट धनिया वड़ी रेडी है। इंशाल्लाह आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।